नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो कोई तारीफ के मोहताज नहीं है, और उत्तराखंड में तभी सभी लोग वहां पर जानते हैं, पूरे देश विदेश में भी उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते हैं, और मशहूर लोक गायक वहां पर हैं और उत्तराखंड में गढ़ रत्न के नाम से भी सभी ने जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मशहूर लोक गायक उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, हम कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे सबसे पहले लता मंगेशकर जी से, क्योंकि आज हमारे बीच ग्रेट सिंगर वो नहीं रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? क्या कभी उनसे मुलाकात हुई है, तो कुछ कोई पल कोई क्षण उनके साथ आपके याद हो अगर आपको? ना जी, मेरी तो मुलाकात लता जी से कभी नहीं हुई, मैं केवल उनके गीतों से ही उनसे मुलाकात हुई है जी, उनकी आवाज से मुलाकात हुई है। और लता जी का जाना तो वास्तव में सारे हमारे संगीत जगत का बहुत भारी नुकसान है जी, और लता जी ने जो दिया है फिल्म संगीत को वो तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सारे ही कलाकार लोग, उत्तराखंड के लोक गायक भी जो हैं, लता जी को फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं उन्हीं की तरह गाने की, उन्हीं की तरह सुर साधना की। ये प्रयास निरंतर हर कलाकार ही करता है। वो इतनी सुरीली थी लता जी कि उन तक पहुंचने का प्रयास हर कोई करता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है उन तक पहुंचना। तो उन्हें तो मैं पहले भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे चुका हूं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको स्वर्ग में स्थान मिले, उनकी आत्मा को, उनकी सुरीली आत्मा को शांति मिले जी। सर, आगे बढ़ते हैं। आप जिस तरह से उत्तराखंड में कई सारे युवा हैं, जैसे आपने कहा कि वो भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा भी वहाँ पे युवा बनना चाहते हैं, तो गायकी के क्षेत्र में जो बच्चे अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड के अंदर क्या किसी तरह की कोई कमी है व्यवस्थाओं को लेके, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, या कोई इस तरह की कोई एकेडमी हो जहाँ से वो गढ़वाली कुमाऊनी गीतों को सीख सके? तो क्या आप सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि चुनाव भी नजदीक, यहाँ पर 14 को आप भी वोटिंग करने वाले हैं, तो क्या आप, क्योंकि आप भी वहीं से पढ़े लिखे, वहीं पर ही आपने गीतों की शुरुआत की बचपन से ही, तो ऐसे में आपने क्या कमियां देखी हैं जो आप चाहेंगे कि अब ना हो? जी, यहाँ पर तो अब पहले जमाने में तो बहुत गढ़वाल कुमाऊं में बहुत गिनती के ही लोग कलाकार होते थे जो कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी भाषा में गाते थे जी। लेकिन अब जब से ये ऑडियो वीडियो और ये कैसेट्स का जमाना आया है, तब से कैसेट का और वीडियो कैसेट्स का, और अब जो है अब फॉर्मेट बदल गया है। अब ये इसमें बच्चे अपना गा रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया। बिल्कुल, आज के दौर में आपने सही कहा कि यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रचार प्रसार कर लेते हैं, लोगों तक अपनी जो आवाज़ पहुंचा रहे हैं देश विदेश तक। सोशल मीडिया का कोई यहाँ पे बैरियर, कोई बाउंड्री नहीं होती है। आपकी बात करें, आप अपने ज़माने में सर कैसे अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाया, उस ज़माने में किस तरह से आप करते थे ये सब चीज़ें? तो हमने तो रामलीला में गाने से शुरू किया था अपना, रामला के मंचों तक, क्योंकि उत्तराखंड में रामलीला ही एकमात्र कलाकारों का मंच होती थी किस जमाने में। वहां से हमने शुरू किया, और फिर उसके बाद रेडियो में ऑडिशन दे के रेडियो से लोग गीत गाने लग गए। आकाशवाणी उस समय लखनऊ जाते थे हम लोग यहाँ से, गढ़वाल से, और उसके बाद फिर नजदीक गढ़वाल के नजदीक नजीबाबाद में स्टेशन खुल गया 78 में। उसके बाद हम लोग नजीबाबाद से, आकाशवाणी नजीबाबाद से गाने लग गए, फिर दूरदर्शन आया, और फिर अब सोशल मीडिया है, सारे फॉर्मेट जो हैं। तो जब सोशल मीडिया आया सर, तो आपको कैसा लगा कि, क्योंकि सोशल मीडिया में आप एक साथ कई लोगों को दिखा सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं, तो एक नई तकनीक जब आई तो किस तरह से आपने महसूस किया, कि आपको नहीं लगा कि इस तरह की तकनीक अगर पहले आ जाती तो आप बहुत ज्यादा और भी प्रचार प्रसार, आपकी आवाज़ के, यानी कि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँच सकती थी?
हाँ नहीं नहीं आप भी सही कह रहे हैं सोशल मीडिया, लेकिन टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ धीरे धीरे ही आ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। और ये सब कैसे कल्पना कर लें हम कि पहले होती, पहले तो जैसा मैंने कहा कि रामलीला एकमात्र मंच होते थे हम लोग, खासतौर से पहाड़ के लोगों के लिए, जहाँ से वो अपने गाने अपने गीत जो है लोगों तक पहुँचाते थे रामलीला के मंचों से। और अब जो है सोशल मीडिया है, तो अब आने वाले जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया है अपने आप को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में, अपने गीत संगीत को पहुंचाने में, वो अब आसान है और वो करते हैं अब सोशल मीडिया के जरिए से लोगों तक पहुंचते भी हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि सरकारों से क्या मदद चाहिए उसके लिए, हालांकि ये सरकारों के विषय नहीं है, ये तो हम कलाकारों को अपने ही प्रयास अपने ही रियाज और अपने ही उससे आगे बढ़ना चाहिए, सरकारें कब किसी का साथ देती हैं। लेकिन सरकारों से हम एक उम्मीद ये रखी थी बहुत लंबे समय से है उत्तराखंड के सरकारों से कि यहाँ पर एक लोक भाषा एकेडमी की स्थापना होनी चाहिए उत्तराखंड में, ताकि यहाँ की उत्तराखंड की धरती से जो भाषाएं यहाँ की धरती यहाँ की मिट्टी में उपजी हैं उन भाषाओं के लिए कुछ काम हो सके, उन भाषाओं में लिखने पढ़ने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो यहाँ पर पंजाबी एकेडमी तो खोल दी है, उर्दू एकेडमी भी खोल दी है उत्तराखंड सरकार ने, और हिंदी संस्कृत तो है ही, लेकिन जो लोक भाषाएं इस धरती की हैं गढ़वाल कुमाऊं की धरती से जो भाषाएं निकली हैं इस उत्तराखंड राज्य में, उनकी एकेडमी होनी चाहिए। ये मांग बहुत लंबे समय से है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। ठीक है, ये आपने सही कहा, तमाम और भी जो भाषा है वहाँ की तो एकेडमी है, लेकिन लोक भाषा जो है उत्तराखंड की संस्कृति जिससे कनेक्ट है उस वही भाषा वहाँ पर नहीं और अपने ही क्षेत्र में नहीं है, ये अजीब बात है। खैर सर, 14th को वोटिंग है, तो आप भी आई थिंक अपने क्षेत्र में ही वहाँ पर मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने अंदाज में अगर उत्तराखंड वासियों को एक वोट की अपील कर दें तो बेहतर यहाँ पर होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को आप अपील करेंगे तो जो वोट नहीं भी डालने जा रहे होंगे तो आई थिंक वो भी डालेंगे। वो मैं लगातार सोशल मीडिया जैसा मैंने अभी कहा है उसके माध्यम से मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ और बार बार लोगों से यही विनती कर रहा हूँ, यही निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपने क्षेत्र के अच्छे लोगों को, जो अच्छे उम्मीदवार हैं, उन लोगों को वोट दें, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ईमानदार नहीं हैं, जिनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं रहा है, या पिछले अगर वो पुराने लोग हैं तो अगर उन्होंने पिछले चुनाव में पिछले टर्म्स में कुछ काम किया नहीं है लोगों की जनता के भावनाओं के अनुरूप, या कोई विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया है, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही आप चुनाव में उन लोगों को जिताएं, जो लोग जिन लोगों को काम करना है, जो लोग काम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों को न जिताएं, जो रोजगार पाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मेरा यही कहना है कि केवल आंख मूंद के पार्टी जो भी थोप दे उसी को वोट देंगे तो नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अच्छे लोग अगर पार्टी में भी अच्छे लोग हैं तो उनको वोट दीजिए, ईमानदार हैं, सच्चरित्र हैं और बेहतर उनका काम रहा है, चाहे वो सत्ता में रहे हों न रहे हों, लेकिन उनका काम लोगों ने अगर देखा हो, आप बिना विधायक बने भी लोगों के काम कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो सकते हैं, तो जनता ये भी देखती है कि ये आदमी जब बिना किसी पावर के हम लोगों के इतने काम कर सकता है तो जब इसे विधायक बनाएंगे तो और बेहतर काम करेगा। तो ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखिए, ऐसे लोगों पर भी नजर रखिए, और अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कि कोई भी कैंडिडेट, ये जबरदस्ती पार्टियों द्वारा थोपे गए लोग हैं, इन्हें वोट देने का मन नहीं है, तो एक नोटा का बटन भी इस समय चुनाव में पिछले चुनावों से रखा हुआ है, आप नोटा का बटन भी दबा सकते हैं। लेकिन गलत लोगों को विधानसभा और लोकसभाओं में नहीं पहुंचना चाहिए, ये अपील मैं हर बार करता हूँ, आज इस समय भी कर रहा हूँ।
और मैं सोचता हूं कि जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है और इस समय अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे लोग हमारे लोग विधानसभा में पहुंचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह जिस तरह से आपने कहा कि सेवा करने के लिए राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप लोग गायक नहीं होते, इस क्षेत्र में नहीं होते, तो कोई दूसरा और कोई ड्रीम आपने सोचा हुआ था कि आप ये नहीं तो ये बनते? नहीं, मैं फौजी परिवार से हूँ, मेरे परिवार के लोग फौज में रहे हैं, तो जाहिर है कि मेरा भी रुझान शुरू शुरू में था, लेकिन बाद में फिर मैंने अपना वो बदल दिया, माइंडसेट बदल दिया, और फिर मैं ये म्यूजिक की तरफ आ गया, और उसके बाद म्यूजिक में मैं तबले का प्लेयर था, तबला बजाता था, उसी में मैंने कुछ शिक्षा, थोड़ी बहुत शिक्षा भी ली है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ों में क्लासिकल म्यूजिक का या तबला वगैरह का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ उस्ताद नहीं मिलते हैं सिखाने वाले, तो इसलिए मैंने अपना वो चेंज किया, दिशा बदली, और मैं लोक संगीत की तरफ आ गया, और सन 74-75 से मैं लोक संगीत के क्षेत्र में हूँ और इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ इतने लंबे समय से, इसी में लिखता हूँ गाने और गाने बनाता हूँ लोक गीतों को लोक भाषा में, और यही इतने लंबे समय से मैं करता आ रहा हूँ और आजीवन यही करने का इरादा है। ठीक है। एक सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जब आपने अपनी गायकी की शुरुआत की, आपने बचपन से शुरुआत की, आपने कहा कि रामलीला वगैरह में आपने जाना शुरू किया, तो पहला कौन सा गीत था या पहली वो जो लाइन अगर आपको याद हो जो आपने सबसे पहली बार गाई हो, तो वो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप उससे याद करें, और थोड़ा सा अगर असल में रामलीला में हम रामलीला के ही गीत गाते थे। ओके। जैसे भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण, सीता, इनके ही गीत जो रामलीला में होती हैं हमारे यहाँ पर, उसी के गीत गाते थे। तब मैं तब ना तो मैं कोई लोक साहित्य में मेरा कुछ पदार्पण हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे 76 में मैंने पहली बार ऑडिशन दिया था लखनऊ में आकाशवाणी में, और वहाँ पर मेरा चयन हुआ, तो मैं वहाँ से गीत गाने लगा। लेकिन पहला गाना मैंने जो गीत लिखा था वो 74 में लिखा था। जी ठीक है। और उसको गाया आपने 74 में मैंने लिखा था, और फिर वो 76 में मैंने रेडियो से गाया, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के बीच में मैं गाया करता था उस गानों को, तो उसकी लेकिन जो स्टेज पर कहें तो जो पहला गाना वही था स्टेज पर गाया, जो स्टेज पर पहली बार गाया वो वही गाना था जो आपने 74 में लिखा था। जी हाँ, वो 4-5 गीत थे, उसके बाद तो फिर मैंने फिर और भी गाने लिखे जब रेडियो से मुझे आमंत्रण मिला कि आप आइए और रिकॉर्डिंग के लिए आइए, वो था। तो वो पहले गाने की मैं 2-4 लाइनें आपको सुना देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, प्लीज। जी जी जी, वो हमारे पहाड़ की जो महिलाएं हैं उन पर वो गाना था कि पूरी बरसात भर तो मैंने जंगलों में काटी और घास और लकड़ी के लिए, और उसके बाद जो गर्मियां हैं वो मैंने ओखली में नाच कूट कूट के काटी, और उसके बाद जो है जाड़ों में मैंने जो है वो पीस के, जब जो जांदरे चक्की होती हैं घरों के अंदर उसमें पीस पीस नाच पीस के काटी, मेरे ऐसे ही दिन रहे इन पहाड़ों में। तो वो एक महिला का दर्द है जो मैंने देखा है पहाड़ की औरतों को किस तरह काम में जुटी रहती हैं, उसी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं आपको सुना देता हूँ। सैरा बस ग्याल बोण मां रूड़ी कुटण मां यूंद पीसी बीते ना न्यारा सदनी आनी दिन रे ना सेरा बस ग्याल बोण मारूड़ी कुटण मा यूंद पीसी बीते ना
माँ का भी लंबा गीत था वो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अच्छा लगा, आपकी यादें भी ताज़ा यहाँ पर हो गई होंगी, और पहला गाना आपका है तो ये ज़रूर तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे जैसे आपने शुरुआत की और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और सर अगर थोड़ा सा हार्ड न्यूज़ से बात करते हैं, उत्तराखंड में चुनाव हैं, तो आप इतने सालों से अपने क्षेत्र में रहते हैं, आ रहे हैं, वहाँ के जो विकास हैं वो देखते आ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होते रहे हैं वो भी आपके सामने सब हुआ, तो इतने सालों में जब से राज्य बना तब से लेके अब तक क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है या क्या क्या समस्याएँ हैं जिन पर काम होने की ज़रूरत है? समस्याएं बहुत सारी हैं, और जब ये पृथक राज की मांग हुई थी, आंदोलन हुए थे, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके लोग निराश होते चले गए। समस्याएं बहुत हैं, पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है चिकित्सा, स्वास्थ्य चिकित्सा का बहुत बुरा हाल है, इंटीरियर में पहाड़ों में बहुत कोई डॉक्टर वहाँ जाना नहीं चाहता। शिक्षा की है, अच्छी शिक्षा, अच्छे टेक्निकल स्कूल कॉलेजों की कमी है, लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अब वो माहौल हो गया है, लेकिन यहाँ पे वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। और बेरोजगारी की समस्या पूरे देश में है तो उत्तराखंड में भी है, बहुत लंबे समय से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। और ये यहाँ पर जो हमारी जल जमीन जंगल की समस्याएं हैं वो बहुत लंबे समय से हैं, बहुत पुरानी हैं, यूपी के टाइम में भी थी, अब भी हैं, उनका भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। और आपका राजधानी का मुद्दा जो है वो अधर में लटका है, एक छोटे राज्य में दो दो राजधानियां बनाई जा रही हैं, एक देहरादून में रहेगी, एक वहाँ पहाड़ में रहेगी, तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो के सरकारों के सामने हैं, लेकिन सरकारें अस्थिर हैं। अभी इस समय देख लीजिए, बीजेपी ने तीन तीन मुख्यमंत्री बदल दिए एक ही 5 साल के अंदर, तो काम करने का अवसर भी बहुत कम मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कोशिश न की हो, ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन सरकार के भेजने के बावजूद भी डॉक्टर वहां नहीं जा पा रहे हैं। अब ये सरकारों को कुछ ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वहां पहाड़ों में डॉक्टर जाएं और वहां लोगों की सेवा करें, और यही कारण है पलायन का, सबसे बड़ा कारण यही चीजें हैं, और इसीलिए लोग पहाड़ों से उतर के मैदानों की तरफ जा रहे हैं, सुविधाओं के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, और रोजगार के लिए जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। विकास जिस गति से हो रहा है, कछुआ गति से जो विकास हो रहा है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। विकास की के लिए गति होनी चाहिए, पृथक राज्य एक बन गया है तो विकास नजर आना चाहिए, विकास की जो गति है वो काफी स्लो है आप यहाँ पर करें। कभी आपने सोचा नहीं कि आप भी राजनीति में आकर के इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं इन पर आप काम कर सकते हैं, उत्तराखंड का विकास कर सकते हैं, कभी ऐसा ख्याल आया? मेरा ऐसा, मैं ऐसा नहीं मानता कि हर समस्या का सॉल्यूशन राजनीति है, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, यहाँ पे पहले भी लोग काम करते थे हर क्षेत्र में, लेकिन एक ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल राजनीति में आके ही विकास होगा। अगर राजनीति में आके विकास होता तो हमारे 20-21 साल से तो लगातार हमारे ही लोग तो हैं वो जो मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, वो कोई बाहर के नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो जनता के सुख दुखों को के बजाय जो हैं वो अपना ही सुख के अपेक्षा करने लग जाते हैं जीतने के बाद, और उसके बाद उसको एक रोजगार के रूप में ले रहे हैं, और तभी तो जब उन्हें ये रोजगार सूट कर रहा है इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरे परिवार के आने वाले बच्चे भी इसी रोजगार में लगें। चलिए खैर, फिलहाल आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करेंगे जिस तरह से लोगों का प्यार आपको अभी तक मिलता रहा ऐसा ही मिलता रहे, और आप भी 14 को वोटिंग करें, और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद।